पाया जाता था, लेकिन दस राज्यों के ऐसे 11 संरक्षित उद्यानों में पाया जाता है। 1972 में बाघों की संख्या 268 थी, जबकि 1979 में इनकी संख्या 711 पहुंच गई थी। कई स्थानों पर वन्य क्षेत्रों में, विशेषकर आरक्षित वनों में खनन कार्य किया जाता है, जिससे न केवल पेड़ों को हानि होती है बल्कि वन्य जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर वन्य क्षेत्रों में खनन कार्य अब बंद किया गया है। ऐसा उच्चतम न्यायालय के आदेश से हुआ है। आज शिवपुरी जिले के हजारों हेक्टर वन भूमि में खदान माफियाओं द्वारा व्यापक स्तर पर अवैध उत्खनन किया गया है, किया जा रहा है। जब जब जनता द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा इस दिशा में अवैध उत्खनन को रोकने के कार्रवाई की गई, प्रयास किए गए, अवैध उत्खनन उतनी ही तीव्र गति से बढ़ता चला गया। जंगल के नाम पर अभियान सिर्फ पत्थर बचाए, सारे जंगलों में से पत्थर की अवैध निर्माण करके निकाला जा रहा है, जिससे गवर्नमेंट को तो आय हो नहीं रही। यहाँ के कई राजनीतिक लोग इस पत्थर से अपना घर बना रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जो देश की सर्वोच्च संस्था है, उसके द्वारा पारित किए गए आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि जो संबंधित अधिकारी इसका जिम्मेदार पाया जाएगा वो सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का भागीदार होगा। इस आदेश के बाद जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन सबको मैंने स्वयं ने भी पत्र लिखे और खदानों को रोकने की दिशा में प्रयास किए जाएं, अवैध उत्खनन को, तो बजाय रुकने के वो अवैध उत्खनन और व्यापक स्तर पर हो रहा है। यहाँ का एक सौभाग्य ये है कि यहाँ पत्थर निकलता है, ये बात सही है कि उस पत्थर से 50,000 आदमी रोजी रोटी कमाता है, लेकिन उस पत्थर को निकालने के कुछ नियम हैं। कानून कायदा ये है कि उस पत्थर को उस जगह से निकाल लिया जाए, उसके बाद उसी का मलबा उसी गड्ढे में भर दिया जाए और वहाँ पर वृक्षारोपण कर दिया जाए। ये माइनिंग के रूल्स हैं और ठेकेदार इसी एग्रीमेंट पे खदान लेता है, लेकिन ना तो कोई माइनिंग वाला कभी देखने जाता कि जहाँ से पत्थर निकाला है वहाँ का मलबा कहाँ है, उस मलबे को क्या उस जगह भरा गया है नहीं भरा गया। वहाँ कुएँ की तरह गड्ढे को छोड़ दिया जाता है 40-40 फुट गहरे से, नीचे से पत्थर निकालने के बाद जब कभी भी मजदूर गिर के मर सकते हैं, और मर भी गए कई मजदूर उन गड्ढों में, बरसात में उनमें पानी भर जाता है जिनसे कई मजदूरों की मौत भी हो चुकी है।
विभिन्न प्रकार के पेड़ सारे वातावरण में एक अद्भुत छटा बिखेर देते हैं। डाक के तीन पात या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में जब फूल साथ ही इसकी लकड़ी काफी मजबूत होती है। इसकी लकड़ी से जंगलों में रहने वाले किसान हल व खेती के काम आने वाले अन्य औजार बनाते हैं। देश के विभिन्न भागों में जाता है। महुआ मध्य प्रदेश के आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग। महुआ पेड़ के सभी हिस्सों का अच्छी प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इसकी लकड़ी का इस्तेमाल मकान निर्माण, फर्नीचर आदि में किया जाता है। इसके पत्ते पशुओं के चारे में काम आते हैं और इसके पत्तल और दोने भी बनाए जाते हैं। महुआ के फूलों व फलों से एक प्रकार की मदिरा बनती है, जिसका प्रयोग आदिवासी काफी करते हैं। ऐसा कहते हैं कि महुआ के फूलों में कई प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन आदि शामिल हैं। मलाना केदार नंबर लगा मेरा जोड़ा के घाट मलाना केदार नंबर लगा मेरा जोड़ा के घाट मलाना केदार।
मध्य प्रदेश में बहुत तरह का आदिवासियाँ हैं, जैसे गोंड, कोरकू, मुड़िया, भील, ये सब अपने ही तरह से यूनिक ट्राइबल ग्रुप्स हैं। इसके अलावा भी और अनेक पिछड़ा वर्ग भी हैं। अब इनके डेवलपमेंट के लिए स्वाधीनता के बाद बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उनका उतना नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्योंकि उनका जो मूल कारण है वन। और दुर्भाग्यवशत ये कहा जाता है कि आदिवासी लोग जंगल को नष्ट कर रहे हैं, जो कि कतई सच नहीं है। इसलिए क्योंकि आप यदि ये कोई एक कैलकुलेशन करें जो आदिवासी जो अपने जो निजी ज़रूरतें जो पूरी करते हैं उनमें उनका जलाव लकड़ी और कुछ वनोपज जो होती है उसकी यदि मूल्यांकन किया जाता है, उसके हिसाब से जो आजकल ऑर्गेनाइज्ड गैंग हैं, बड़े लोग जो इन्वॉल्व हैं, बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े दूसरे तरह की ऑर्गेनाइज्ड गैंग हैं, वो जिस तरह का फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करते हैं उसकी मूल्य और आदिवासी जो लेते हैं उसके तुलना कंपैरिजन में कुछ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमेशा आदिवासी को लोग ब्लेम करते हैं, जो कि सच नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1988 फॉरेस्ट पॉलिसी में कहा है द फर्स्ट चार्ज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मस्ट गो टू द ट्राइबल्स एंड द पीपल हु आर लिविंग इन एंड अराउंड फॉरेस्ट। देयरफॉर पीपुल्स इन्वॉल्वमेंट इन मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट इज ए मस्ट। इसलिए जब हम पॉलिसी में हम ये कहते हैं, हम अपना एक्शन भी वही करना चाहिए। और इस चीज़ के लिए अभी भी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो एक रिलक्टेंस है, वो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं, इसको नहीं दिया जाए, वो गलत बात है। सरकार ने ठेकेदार को इतना पावर दे रखा है कि उनको इतना वो देख रखा है कि जम के जंगल कट रहा है, रात ना दिन ट्रकों से जा रहा है, मगर हम एक लकड़ी ले आते हैं तो फॉरेस्ट वाले हमारे ऊपर केस बना देते हैं, हमको जेल भेज देते हैं। आदिवासी को तो ऐसे खदेड़ देते हैं जैसे कोई जानवर है। भाई, हम भी एक इंसान है, हम लोगों की भी इज्जत होती है। सरकार ने एक सेंचुरी बनाई है, बोरी सेंचुरी और सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो उस सेंचुरी और नेशनल पार्क में जो लोग रहते हैं, करीब 25 गांव इन दोनों में हैं, इन लोगों को भी लगातार या तो उनको हटाना या फिर उनकी जो भी रोज के जो अधिकार हैं, जिंदगी है, उस पर कई प्रकार से रोक लगाना, ये सेंचुरी और नेशनल पार्क के कर्मचारियों के द्वारा होता रहा है। और इसका एक भी काफ़ी ज़बरदस्त विरोध हमारे यहाँ से हुआ है। अक्सर लगातार वन विभाग का ये कहना होता है कि जंगल कटने के लिए लोग दोषी हैं, यहाँ जो लोग रहते हैं वो दोषी हैं, लेकिन हमारा इलाका तो इस बात का सबसे बड़ा गवाह है कि हमारे इलाके में जो जंगल का नाश हुआ है वो सरकार ने किया है। इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जंगल से उनका जीवन जो जुड़ा हुआ है उसके पूरे अधिकार मिलें, और यदि जंगल से जंगल वासियों को काट दिया आपने तो न जंगल बचेंगे न जंगल वासी बचेंगे। मैंने महसूस किया कि जिस सरकारी हमले को जंगलों की रक्षा के लिए तैनात किया गया, जंगल को उन्हीं लोगों से सबसे ज़्यादा नुकसान होते जा रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर जो जंगल डिपार्टमेंट, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसको ही अगर हटा दें तो मैं समझता हूँ कि जंगल की सुरक्षा सबसे अच्छी होगी। आग लगने से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों की हानि होती है। वनों में आग लगने की घटनाओं के पीछे अधिकतर लकड़ी तस्करों या असामाजिक तत्वों का हाथ होता है। यदि वनों पर निर्भर लोगों को इनकी सुरक्षा का दायित्व दिया जाए तो काफी हद तक ये घटनाएं कम हो सकती हैं।
क्षेत्र में जो गाँव में वन समिति बनाई जा रही हैं वे भी राजनीतिकरण से बनाई जा रही। अगर वन समिति पूरी तौर से गाँव के भरोसे छोड़ दी जाएँ और वन जे रेंज के अफिसर ने अगर भगा दिए जाएँ तो हमारे समझ से वन बच जाएंगे। फॉर डिपार्टमेंट की तरफ से वन सुरक्षा समितियों जो गांव-गांव में समितियां बनाई जा रही हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी लगभग कुछ गांवों को छोड़ के हर गांव में सुरक्षा समितियां बनाई जा चुकी हैं और उसके अच्छे नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। यहां पर एक बात देखी गई है कि गांव वालों जिस गांव के आसपास में जंगल पहाड़ हैं वहाँ की सुरक्षा का दायित्व सुरक्षा समितियों को दिया गया है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, अगर इन सुरक्षा समितियाँ अगर सही तरीके से काम करती हैं तो निश्चित तौर पर जो सरकारी अमले की तरफ से जो लापरवाही बरती जा रही है वो लापरवाही खत्म हो जाएगी और हम जैसे चाहते हैं वैसे जंगलों की सुरक्षा कर पाएंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि नहीं हम वहाँ पर भी जंगलों के प्रति गंभीर बनी रहें, उनकी सुरक्षा के प्रति गंभीर बनी रहें, तभी ये संभव हो सकेगा। निरंतर वनों के कटने से प्रदूषण तो बढ़ता ही है, साथ ही पानी की भी कमी हो गई है। महिलाओं को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। कई तालाब जहां पहले पानी होता था अब सूख गए हैं या पानी बहुत ही कम हो गया है। बैतूल में लकड़ी का एक बड़ा डिपो खोला गया है जो एशियाई महाद्वीप का ऐसा सबसे बड़ा डिपो है। जंगलों के पुनर्स्थापन के लिए बड़े पेड़ों का काटना और उनके स्थान पर नए पेड़ लगाना अनिवार्य है, लेकिन ऐसे पेड़ ही काटे जाएं जो कि पूरे बड़े हों, न कि वो जो छोटे पेड़ हों जिनसे नए जंगल बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, यदि आदिवासियों और स्वयंसेवी संगठनों को वनों की देखभाल में भागीदार बनाया जाए तो बिगड़ी दशा सुधर सकती है। कि आगे आने वाले 20-25 सालों में जो भी हम ये सब कर रहे हैं ये सब एक दिखावा है केवल, और अगर इसी तरह से रहा 20-25 सालों में हमारे वन करीब करीब ख़त्म हो जाएंगे और भारतवर्ष का टेम्परेचर जो है आज ही एक 48-49 डिग्री सेंटीग्रेड तक मध्य प्रदेश कुछ शहरों में चला जाता है और वैसे भी 40-45 के बीच में हर शहर में टेम्परेचर रहता है। ये कहीं ऐसा ना हो कि 55-56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आगे आने वाले 50 सालों में हो जाए और हम लोग भी जो हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो टेम्परेचर होता है उस तरह का टेम्परेचर हमारे यहाँ भी आ जाएगा और हालात बहुत ख़राब होते चले जाएंगे। अगर हम जंगलों की रक्षा करना चाहें तो सरकार को इस दिशा में गंभीर होना पड़ेगा, तभी हम जंगलों की रक्षा कर पाएंगे।